नमस्कार, मैं रमन कुमार, आप देख रहे हैं समाज जागरण। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप उस पर पोस्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास वर्डप्रेस वेबसाइट है लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आखिर पोस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़्यादा इधर उधर ना घूमते हुए सीधी पॉइंट पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इसका पहला प्रोसेस क्या है। बड़े ध्यान से देखिएगा और आप अच्छे से सीख जाइए कि पोस्ट कैसे डालते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है तो कंफ्यूज कर जाते हैं और पोस्ट ठीक से नहीं डाल पाते, जिसके कारण उनका पोस्ट रैंक नहीं हो पाता है। चलिए आते हैं, पहले यहाँ पे गए, ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमने डाला जो भी हमारा वेबसाइट है। जैसे हमारा वेबसाइट है समाज जागरण, पहले से हमारे चल रहा है, लेकिन इसको मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे डोमेन है, डोमेन के बाद अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो wp_admin_ होता है, ठीक है। इसके बाद ये सीधे इस विंडो पे आएगा, ये विंडो ऐसे खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे इसका टूल्स हैं, टूल्स में आते हैं, स्पीड पोस्ट पोस्ट पे आते हैं और पोस्ट में ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। अब ऐड न्यू पोस्ट में जहाँ पे दिखा रहा है कि ऐड टाइटल, ऐड टाइटल में आपको कुछ भी डाल देना है। हमने इसका मान लीजिए कि हेडिंग डाल दिया, इसका नीचे हमने इसका न्याय, आप चाहें तो यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाटा है तो मैं यहाँ से डाटा लेता हूँ, ये मेरे इस ग्रुप में डाटा पड़ा हुआ है, कल न्यूज आया था तो यहाँ से मैं मान लीजिए कि ये हमने इसका उठा लिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया और इस पे गए पोस्ट पे, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको। पेस्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि यही हेडिंग तो यही होना चाहिए, ऐसी नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ से हमने कट किया यहाँ पे हेडिंग में, जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है, तो इसको अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें फील्ड होता है, फील्ड होता है कि ये फोकस की प्रेस है, फोकस की प्रेस क्या करना है। तो यहाँ पे जो खास जो सबसे फोकस है, फोकस मतलब जो शब्द यहाँ है वही शब्द इसमें इसके अंदर भी आना चाहिए जब ये फोकस की प्रेस होगा। और ये इसको मान लीजिए को उठा लिया हमने, एक एक शब्द को उठाया और यहाँ पे कि फोकस की प्रेस में पेस्ट कर दिया। अब ये शायद नहीं है इसमें, तो डॉक्टर करते हैं, ये जो है ना या तो येलो होना चाहिए या तो अलग नहीं हो रहा। चलिए ये जो है आप देख रहे हैं एक येलो हो जाना चाहिए, नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद ये आता है कि सीईओ टाइटल में, सीईओ टाइटल यहाँ पे एसलग है, एसलग में क्या होता है कि टाइटल को आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके डालना पड़ता है। तो यहाँ लेते हम हेडिंग, हेडिंग हमने ले लिया, इतना ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा जो शुरुआती डालना है हमने गूगल ट्रांसलेट पर चला गया, चलिए गूगल यहाँ पर ट्रांसलेट, यहाँ पर पेस्ट कर दिया ये अंग्रेजी कर दिया, ये अंग्रेजी हो गया। अब इसको उठा के इसमें गए फिर पोस्ट में और यहाँ
पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपकी। अब यह है कि पोस्ट के नीचे जो ये चीज़ें हैं, देखिए देखिए जो हम कर रहे हैं, देख यहाँ पे आ रहा है पोस्ट के नीचे, अगर आप नीचे कंटेंट थोड़ा सा नहीं डालिएगा तो ये बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ आएगा। अब ये है, इसमें से उठाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट यहाँ डालिए, यहाँ अगर हटाइए, टाइटल हरा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर फ़ोटो लेना है तो फ़ोटो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड कर दिया हमने, ठीक है। अब ये सिस्टम में चला गया, अब यहाँ पोस्ट है, पोस्ट में गए और यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ गए नए नए फोटो डालना, तो यहाँ पहले आप एडिट कीजिए, एडिट मतलब इसकी साइज को सेंड, ओपन विद पेंट। अब यहाँ पे कंट्रोल इसकी साइज आ गई, साइज पिक्सल में रखना, आपको पिक्सल में रखना है कितना है, तो वर्डप्रेस की ज़्यादातर साइड जो है 560 के आसपास ही चलता है। अब इसको ओके कर दिया, ये साइज हो गया अपना सेट, ठीक है। आप काटना चाहे तो यहाँ से नीचे से काट भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो, लेकिन साइज यहीं आसपास रहना चाहिए। अब इसको हो गया, अब इसको हमने यहाँ पर कर दिया, अभी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सेट फीचर इमेज देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, अभी आ गया सेट फीचर, ये जब उसमें साइट पे खुलेगा तो यही दिखेगा आपको वहाँ पे। अब यहाँ पे ऐड न्यू टैग, टैग मतलब इसको जैसे डाल दिए ब्रेकिंग न्यूज या कोई भी इसी प्रकार की न्यूज़ है तो वो डाल दीजिए, ज़्यादातर चलता है तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज ही डाल सकते हैं, तो डाल दीजिए, और कई प्रकार के डाल सकते हैं जैसे लोकेलिटी है और ख़ास फोकस वर्ड जो भी है वो उस पर डाल सकते हैं, ताकि वो उससे जब भी सर्च हो तो वो आपके जो पोस्ट है वो उस लाइन में आ जाए, उस रैंक में आ जाए। अब यहाँ पे कैटेगरी, सर्च कैटेगरी में आप जैसे खबर अमेठी उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश डाल दिया हमने, और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये देखिए पूरा आ गया ना, जब जैसे टाइटल आ गया, टाइटल के जो कंटेंट हमने डाला था नीचे वो आ गया यहाँ पर देखिए, और ये फोटो आ गया। अब इसको हम करते हैं पब्लिश, यहाँ पे कर दिया हमने पब्लिश, ये पोस्ट पब्लिश हो गया है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम कुछ और ऐड करना चाहते, बहुत सारे फंक्शन होता है इसमें, कि जो हमने 5 पोस्ट डाले हैं इससे पहले वो इसके साथ दिखना चाहिए नीचे, कैसे ले लेंगे, तो यहाँ पर जाइए लेटेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट कर दिया हमने, और हमने 5 पोस्ट का ऑप्शन सेट कर रखा है, और ब्लॉक में गए यहाँ पे कर दिए पोस्ट कंटेंट, इसके साथ हेडिंग के साथ साथ कंटेंट भी आ रहा है। अब इसको हम अगर कर देते हैं पोस्ट डिस्प्ले फीचर इमेज, तो इमेज भी इसके साथ दिखेगा, ठीक है, इमेज भी इसके साथ दिख रहा है फोटो। अब इसके साइड में कैसे आएगा, जैसे तो बड़े बड़े दिख रहा है, साइड में कैसे दिखेगा, तो ये देखिए इसको हमने 25% कर दिया और ये कर दिया, अब देखिए कैसे इसके साइड साइड आने लगा। इस प्रकार से आपका पोस्ट कंप्लीट हो गया, फिर आप ये अपडेट कर दीजिए ताकि वहाँ पर अपडेट हो जाए। अब मैं आपको पोस्ट खोल के दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा आपको, ये व्यू पोस्ट देखते हैं, ये पोस्ट आ गया, देखिए ये पोस्ट था आपका, ये पोस्ट खुल के आ गया, फोटो थोड़ा सा सेट करना था और नीचे से कट होता तो ये साइज सामने दिख जाता, ऐसे मोबाइल पर सही दिखेगा। ये आपका कंटेंट है कि हेडिंग है, और ये नीचे जो कंटेंट था, ये बायलाइन कि किसने रिपोर्टर का नाम है, ये जगह है प्लेस लाइन, और ये इसका कंटेंट है। इस प्रकार से आप वर्डप्रेस पे आसानी से पोस्ट डाल सकते हैं, इसमें कोई